हेलो गाइस, वेलकम टू मेधास हल्दानी यूट्यूब चैनल। सो गाइस, लास्ट लेक्चर में हम लोग भारत का संवैधानिक विकास का पार्ट वन कवर कर चुके थे, तो आज पार्ट टू को स्टार्ट करेंगे गाइस। और 1773 से लेके 1853 तक हम कवर कर चुके थे, ठीक है। आज ताज या क्राउन का शासन को हम स्टार्ट करेंगे 1858 से 1947 तक, क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद जो है अंग्रेज़ कहीं ना कहीं डर गए थे, तो इसलिए 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आया, यहां से ताज या क्राउन का शासन के नाम से जाना जाता है। अभी तक कंपनी जो है यहां पर शासन चला रही थी, अब सीधे इंग्लैंड से जो है ताज चलाएगा या क्राउन राजा चलाएगा, ठीक है ना। तो गए जो 1858 का भारत शासन अधिनियम आया ना, इस अधिनियम के माध्यम से भारत का शासन कंपनी के हाथों से निकलकर क्राउन के पास हस्तांतरित हो गया। अब भारत का गवर्नर, अब ना जो भारत का गवर्नर जनरल था, अब यहाँ से भारत का वायसराय हो गया। और भारत का जो वायसराय था पहला, ये था लॉर्ड कैनिंग, इसका नाम है, ठीक है ना, लॉर्ड कैनिंग इसका नाम है। इसके बाद गाइज अगर बात करें तो जो भारत सचिव, भारत में जो शासन चलाने के लिए ना, भारत में शासन के एक भाग के लिए इंग्लैंड में एक भारत में शासन को चलाने के लिए इंग्लैंड में भारत सचिव ने जो है 15 सदस्यों की एक टीम नियुक्त की, जिसमें एक अध्यक्ष जो है भारत सचिव की नियुक्ति की गई, अध्यक्ष सहित भारत सचिव की नियुक्ति की गई, जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का क्या होता था, सदस्य होता था, ठीक है ना। इसके बाद गाइज अगर आगे बात करें तो प्रथम भारत सचिव जो थे गाइज, ये थे लॉर्ड स्टेनली। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बात करें तो गाइज भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा अधिकार स्थापित हो गया जब 1858 का ये चार्टर एक्ट आया या अधिनियम आया, भारत शासन परिषद अधिनियम इसे बोलते हैं। इसके बाद गाइज 1861 में आता है भारत परिषद अधिनियम, ठीक है ना। इस अधिनियम के तहत भी जो है ना कार्यपालिका में विभागीय पद्धति शुरू की गई, ठीक है ना। और वायसराय को आपातकालीन परिस्थितियों में अध्यादेश निकालने की शक्ति भी प्रदान की गई। और मद्रास व बम्बई प्रेसिडेंसी को पुनः कानून बनाने एवं संशोधन करने का अधिकार भी दिया गया, अर्थात विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया यहाँ पर क्या हो गई है, प्रारंभ हो गई है। और यह पहला ऐसा अधिनियम था गाइज जिसमें विभागीय प्रणाली एवं मंत्रिमंडलीय प्रणाली की नींव भी रखी गई। और जो वायसराय है को नए प्रांतों की स्थापना तथा उसकी सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार भी जो है यहाँ पर दे दिया गया है। और गाइज बंगाल दे दिया गया है, ठीक है ना। इसके बाद गाइज थोड़ा सा आगे और हम देखते हैं, यह है गाइज बंगाल उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पंजाब में क्रमशः 1862, 66 और 97 में विधान परिषदों का गठन भी कर दिया गया है। याद रखिएगा विधान परिषद और विधानसभा में अंतर होता है, इसको आगे के लेक्चरों में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब जो है ना गाइज यहाँ पर बात करते हैं, अठारह का भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम, तो गाइज इसके तहत पहली बार निर्वाचन पद्धति को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया गया इनडायरेक्टली, और विधायिका के सदस्यों को पहली बार प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, हालांकि क्रॉस प्रश्न पूछने का अधिकार फिर भी नहीं मिला है, ठीक है ना। इसके बाद गाइज 1892 में ही बजट पर पहली बार जो है बहस शुरू हुई, ठीक है ना, बजट पर पहली बार जो है बहस की शुरुआत हुई। इसके बाद जो है अगला जो अधिनियम आएगा गाइज 1892 के बाद ये आएगा 1909 का भारत परिषद अधिनियम, गाइज इसे मार्लो मिंटो एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा गाइज इस अधिनियम को जो है, सबसे पहले याद रखिएगा इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम से विधानमंडलों में चुनाव का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। और गाइज विधानमंडल के सदस्यों को पूरक प्रश्नों को पूछने का अधिकार भी यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है ना। और गाइज इस एक्ट में पहली बार
इस एक्ट में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत भी की गई और वायसराय को अपनी परिषद में एक भारतीय सदस्य नियुक्त करने का अधिकार भी यहाँ पर दे दिया गया है। सो गाइज आगे जो है इसके बाद आगे बात करते हैं, जो प्रथम भारतीय सदस्य थे तो ये थे विधि सदस्य, इनको बनाया गया था, ये थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, तो याद रखना। आगे जो है गाइज आगे बात करते हैं कि जो लॉर्ड मिंटो है, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक के रूप में भी जाना जाता है और 1909 में मुसलमानों हेतु पृथक निर्वाचन क्षेत्र पर जो है प्रतिक्रिया भी इसने जो दी गई है उसमें के एम मुंशी ने दी, इन्होंने उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला करके, ठीक है ना। और मजुमदार ने बताया कि यह सुधार केवल चंद्रमा के चांदनी के समान है करके, जो माले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 आया था, पृथक निर्वाचन सिद्धांत जो इसने दिया था उस पर जो है ये कमेंट किए गए हैं। आगे बात करते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम। सो गाइज इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है और केंद्रीय इस अधिनियम के तहत ही जो है गाइज मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड जो है गाइज ये वायसराय थे, मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे और केंद्रीय व प्रांतीय विषयों को अलग अलग कर दिया गया, अर्थात संघ और राज्य सूची का प्रारंभ यहाँ पर 1919 के भारत परिषद अधिनियम से कर दिया गया। इसके बाद गाइज आगे बात करें तो केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ हो गया, राज्य परिषद राज्यसभा वर्तमान का, संघीय सभा लोकसभा वर्तमान का, ठीक है ना। और भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत भी हो गई है, यहाँ पर अब मुसलमानों के अतिरिक्त सिखों और भारतीय ईसाइयों आंग्ल भारतीयों को भी पृथक निर्वाचन का अधिकार यहाँ पर दे दिया गया है और महिलाओं को भी अधिकार यहाँ पर दिया गया। और गाइज केंद्र व राज्य के बजट को अलग अलग कर दिया गया, लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान भी किया गया, 1926 में गठन होगा आगे। और कांग्रेस ने इस एक्ट को निराशाजनक और असंतोषप्रद भी कहा है। सो गाइस इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है ये आएगा अब भारत परिषद अधिनियम 1935, इसमें टोटल 321 धाराएं 10 अनुसूचियां थीं। यह भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। तो कौन हुआ, तो भारत शासन अधिनियम 1935। इसके हर पॉइंट हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। पहला है गाइज केंद्र के रूप केंद्र के इस स्तर पर एक अखिल भारतीय संघ के निर्माण की बात इसने की और केंद्रीय स्तर पर द्वैत शासन की शुरुआत, प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति हो गई। इसी के तहत केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत हुई भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, लेकिन प्रांतों में क्या होगी, द्वैत शासन समाप्त हो गया। और तीन सूचियों का यहाँ पर निर्धारण किया गया इस एक्ट के तहत, पहला है संघ सूची जिसमें तब 56 विषय थे, वर्तमान में 97 हैं, राज्य सूची तब 54 विषय थे इसमें वर्तमान में 66 विषय हैं, समवर्त सूची में तब 36 विषय थे वर्तमान में हैं 47 विषय, ठीक है ना। इसी के तहत गए आगे अगर बात करें तो जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं ये गवर्नर जनरल को यहाँ पर सौंप दी गई हैं, ठीक है। और गाइज इसके बाद जो है 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो है गठन भी कर दिया गया, जो कि एक केंद्रीय बैंक है, ठीक है ना। और इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में हम इनके ये जो रिजर्व बैंक है इसकी वैल्यू को समझेंगे। आगे बात करते हैं गाइज एक नया यह जो नया संविधान है ये अनम्य था, इसमें संविधान संशोधन का अधिकार केवल अंग्रेजी संसद को ही था। अब बताइए संविधान हमारे लिए बना और इसमें जो संशोधन है अमेंडमेंट है ये करने का अधिकार केवल अंग्रेजी संसद को ही था, ठीक है। इसमें मताधिकार का विस्तार किया गया, लगभग 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार भी यहाँ पर दे दिया गया। और गाइज इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की बल्कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग और दो या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन की भी इसने स्थापना की। तो गाइज इसलिए ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्ट है भारत शासन अधिनियम 1935। तो गाइज आगे बात करेंगे भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947। तो गाइज वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की योजना पर आधारित यह विधेयक जो है 4 जुलाई को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया और 18 जुलाई 1947 को शाही संस्तुति मिलने के बाद यह विधेयक क्या होता है, अधिनियम बन गया। अब जैसे ही यह अधिनियम बन गया इसकी कुछ नोट करके यहाँ पर हमने हाईलाइट किया है, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे क्लीमेंट एटली ने यह
घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन को सॉरी 30 जून 1947 तक भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। बाद में सत्ता जो है उत्तरदायी भारतीयों के हाथ में सौंप दी जाएगी और हम चले जाएंगे। आगे जो है गाइस इसमें क्या प्रावधान दिए गए थे, इसमें दिया गया था भारत और पाकिस्तान जो लिकायत अली है नामक दो अधिराज्य की स्थापना की गई। ये पाकिस्तान के जो पहले प्रधानमंत्री थे ये लिकायत अली हैं, नाम याद रखना थोड़ा सा, इसलिए लिकायत अली बीच में डाला गया है। भारतीय रियासतों को यह अधिकार दिया गया कि अपनी इच्छानुसार भारत या पाकिस्तान में रहने का निर्णय ले सकती है। इसके अलावा गाइज ब्रिटिश में सॉरी इसके अलावा गाइज भारत में ब्रिटिश शासन ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया और नए संविधान निर्माण तक राज्यों की संविधान सभाओं को कानून बनाने का अधिकार होगा, ये बात बोली गई। और संविधान निर्माण होने तक राज्यों की संविधान सभाओं को कानून बनाने का अधिकार भी होगा, ये बात कही गई थी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। इसके बाद जो है गाइस संविधान निर्माण होने तक शासन जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही चलाया जाएगा, ये बात भी बताई गई थी। और 15 अगस्त 1947 को दोनों राष्ट्रों में अलग अलग गवर्नर जनरल कार्य करेंगे, ये बात बोली थी भारत और पाकिस्तान के लिए। और नए चुनाव तक पुराने विधानमंडल ही क्या करेंगे, कार्य करेंगे, ये बात बोली गई थी। सो गाइस ये ओवरऑल जो था भारत का संवैधानिक विकास हमने पढ़ा था 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है वहाँ से 1947 तक। और गाइज आगे जो हम बात करेंगे ना, अब आगे बात करेंगे संविधान का जो निर्माण हुआ था वहाँ से, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है गाइज। तो इसलिए जो है गाइज आप जो है लेक्चर को मिस ना करें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। सबसे पहले तो आपको बता दें गाइज, अगर आपने और सब्जेक्ट को भी पढ़ना है इसी तरीके से तो हमारा जो स्टडी मटेरियल नोट्स है ये आप जो है इस